கட்டே கட்டி குட்டே மாஜி பொறிச்சு குட்டே பெரி பறிச்சு குட்டே மே பறிச்சு குட்டே ஓம் பத்ரி புகே ஓம் பத்ரி புகே சே தட் ஒன்ஸ் ஓம் பத்ரி புகே ஒன் மோர் டைம் ஓம் பத்ரி புகே ஒன் லாஸ்ட் டைம் ஓம் பத்ரி புகே होता है मेरे साथ ऐसे बहुत नाइस हाय अच्छा है मेरे को अच्छा लगा मैं हाय बोला तुम लोग हाय बोला तुम लोग कुछ ही बोल सकता था कल मैं एक शो किया पॉप में चमचा फेंका मेरे को हाय बोला तो पर मोटे जोक सुना पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हो गया है नाइस कंटेक्स्ट जरूरी है लाइफ मैं हाय तुम लोग हाय 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 वेरी गुड नाइस कुछ दिन पहले मैंने ओला मंगाया बारिश आ रहा था ओला मंगाया आ ही नहीं रहा है वो सब्सिडी खेल रहा है मेरे साथ लोकेशन ए से लोकेशन बी लोकेशन बी से लोकेशन सी इसे सब्सिडी खेल रहा है मेरे लोकेशन पे आ रहा है फिर यू टर्न ले रहा है मैं कॉल किया उसको भैया किधर हो आप बोलता मैं लोकेशन पे हूँ देखा है लोग को प्रोग्राम रोबोट्स किधर होते हैं लोग कभी नहीं पता है किधर है वो सोया भी रहेगा उसको कॉल करो किधर हो बोलता मैं लोकेशन पे हूँ उसको पूछो इंडिया का कैपिटल क्या लोकेशन मैं बोला आस पास क्या है गुरु आस पास आपके इंसान कुत्ता बिल्ली आस पास क्या है बोलता आस पास लोकेशन ही लोकेशन है मैं बोला पागल है आदमी मैं 200 मीटर चल के गया ठीक है सर कैब में बैठा मैं कुछ नहीं बोला उसको मेरे को बोलते साहब कहाँ जाना है आपको मैं बोला मुझे लोकेशन पे जाना है तो लोकेशन में गया लोकेशन में गया लोकेशन है वहाँ जाना है बोले साहब आप कौन मैंने मैं लोकेशन हूँ मिल गया ना मुझे तू अभी खुश रहे बट मेरी ऑपोजिट आ रहा रिक्शा वाले लोग का प्रायोरिटी सेट है लाइफ में भैया अंधेरी जाएगा नहीं जाएगा किधर जाएगा नहीं जाएगा पूरा दिन रिक्शा चलाता रहता है वो लोग पैशन है वो लोग का पूरा दिन वो रिक्शा वाले का बेटा रहेगा उसको बोलता रहेगा पप्पा को स्कूल में प्रिंसिपल ने बुलाया है तो नहीं जाएगा तो रिटर्न का भाड़ा नहीं मिलता है उधर बहुत रश रहता है पर ये लोग में दो बिरादरी है ठीक है दूसरे देखे जो हमेशा गुटखा खाते हैं हमेशा मुंह से भरा हुआ रहता है इतना क्यूट लगते हैं अरे अरे इधर गुटखा भरा हुआ रहता है इधर तक कत्था होता है बात नहीं कर पाते मुझे क्या कहीं पूछो अंधेरी जाओगे इधर अंधेरी इतना स्ट्रेस रहता है ना मुंह में उसके चाय वाय लाओ इसके लिए कोई कितना स्ट्रेस है इसको मुझे लोग बात करते हैं ना तेजाब उगलते हैं टॉक ना मुझे बहुत वायलेंट है लोग उसी मैं रात को रिक्शा लिया तो मैं रात को ही सब चीज़ करता है पता नहीं क्यों तो रिक्शा लिया सेट का थोड़ा मेरे को सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा आपको रिक्शा लिया ये रिक्शा वाला एकदम बुड्ढा गर्दुल्ला ठीक है सिगरेट ने फूंक दिया है इसको ठीक है गुटखा खा रहा है बचे हुए स्पेस से ना एकदम सिगरेट फूंक रहा है ठीक है और एक हाथ से रिक्शा चला रहा है उसका सिगरेट फूंक के होकर उसे फेंक दिया पीछे से बाइक वाला आया देख बुड्ढे दिखता नहीं क्या तेरे को क्या सिगरेट फेंक रहा है जल जाएगा तो मैं उसने तुरंत गुटखा थूका उस पर बोलते हैं बोलते हैं गुटखा क्या थूकते हैं अरे आप बोले ना जल जाएगा तो बुझा दिया पहले आपको आग उग लगा होगा तो बुझा दिए उस चीज को तो उसको जो तो बंदा था थोड़ा मोटा सा था उसको देख के बोलता है साहब आप सिगरेट से नहीं जलेंगे आपके लिए 2 लीटर घास लेट लगेगा पब्लिक मिल के पेला मेरे को और उसको मैं बोले चचा क्या किया बोले जिंदगी का मजा होता है ये जिंदगी का मजा लेना चाहिए उन्होंने शो देखा है क्या तुम्हारा बचपन हमारा एंटरटेनमेंट देखा 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 मैम चलो इंडियन का बचपन उजाड़ते हैं देखा देखा मस्त शो है सोनी टीवी में आता है जी टीवी में आता है देखा देखा डांस इंडियंस लिटिल चैंप्स देखा है क्या क्या मस्त शो है वो 4 साल का बच्चा है जो सोशल एंग्जाइटी से लदा हुआ रहता है स्टेज पे उसको जज क्या पूछता है तुम्हें बड़े होके क्या बनना है डांस रियलिटी शो में उसको पूछता है तुम्हें बड़े होके क्या बनना है वो डर जाता है वो डांसर ही तो बनना है इधर क्या हो रहा है मेरे साथ वो डर के बोलता है मेरे को बड़े होके मुंबई में घर खरीदना है मैं इधर शो देख रहा टीवी पे बोले मैं 30 साल का ये 4 साल का हमारे लाइफ गोल सेम कैसे हो सकते हैं को ये बच्चे को बताओ मुंबई में 300 स्क्वायर फीट 1 करोड़ में बिक रहा है